हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। तो संडे की मॉर्निंग है मस्त आज, और काफ़ी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 2-3 वीक के बाद यहाँ पे बारिश बंद हुई है पुणे में। ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली 3 वीक से बारिश हो रही थी, आज बंद है बारिश। अब कुछ बारिश शुरू होनी चाहिए फिर से, बट आज का दिन वैसे अच्छा है, का एकदम क्लियर है। और देखो हम आज कहाँ पे आए हैं, तो ये है चौराई देवी मंदिर, सोमाटने फाटा से बिल्कुल नज़दीक, सोमाटने फाटा से बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे है। तो यहाँ पे है एक देवी का मंदिर, और यहाँ पे है छोटा सा ट्रैक करने के लिए जगह भी। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं इस नई जगह को। वैसे हम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमें भी पता नहीं है कि कितना ट्रैक होने वाला है, बट चलो चलते हैं। तो ट्रैक वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर बारिश होती तो शायद डिफिकल्ट हो जाती, बिकॉज जो रोड है वो कम्प्लीटली मिट्टी की है, स्लिपरी है। हाँ, बट अभी बारिश नहीं है तो आसान है, बिकॉज स्लिपरी थोड़ा सा कम हो चुका है, बच्चे एकदम आराम से जाते हुए ऊपर। काफ़ी फ्लड है यहाँ पे, पूरी जो हिल है पेड़ों से भरी पड़ी है एकदम, और सब एक जैसे पेड़ है। आई डोंट नो कौन सा पेड़ है, लेकिन सब एक जैसे पेड़ है। देखो हरियाली ही हरियाली, फुल ग्रीनरी है यहाँ पे। और ये हमारे मैडम की नई ड्रेस है, जो उन्होंने उनकी एक ओल्ड साड़ी थी उससे स्टिच की है, तो साड़ी को फेंकने से अच्छा ड्रेस में कन्वर्ट किया उन्होंने। तो इस ड्रेस की वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है उनके चैनल पे, नील स्टूडियो पे, तो आप उसे जरूर देखना। तो आज बॉयज जो है वाइट टी शर्ट्स में है, दोनों ने वाइट टी शर्ट पहनी है आज, बिकॉज बारिश नहीं है तो पता है कि ज़्यादा खराब नहीं होने वाली, तो दोनों ने आज वाइट टी शर्ट पहनी है। तो चलो बॉयज जाते आगे। यहाँ पे हमें दिखी है ये सुंदर सी गोगल गाय, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मराठी में इसको बोलते हैं गोगल गाय, हिंदी में क्या बोलते हैं प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल है। मतलब बहुत ही, जब बारिश नहीं होती है तो ऐसे आपको घास पे जो है ओस मिलेगी, उसे मराठी में कहते हैं दो बिंदु, तो आपको दिख रहा होगा मस्त ओस गिरी है यहाँ पे, काफ़ी दव है। मुझे ऐसे वाले ट्रैक करना बहुत पसंद है, बहुत ग्रीनरी, बहुत शांति, ऐसे जगह पर ट्रैकिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस आप देख सकते हो इन पेड़ों के जो जड़ है वो ज़मीन में मस्त अंदर तक घुसे हुए हैं, तो इससे एक फ़ायदा होता है, जो मिट्टी है वो बारिश की वजह से बह नहीं जाती, जमी रहती है एक जगह पे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे मिट्टी बह नहीं जाएगी, मिट्टी एक जगह पे रहेगी, कितने सारे जड़े हैं मस्त। तो ये एक संदेश था हमारे साइड से कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पेड़ उगाओ, और पेड़ कम तोड़ो, ना ही तोड़ो तो अच्छा है। ये देखो
ऐसा ब्यूटीफुल नेचर रहा तो ट्रैक का बिल्कुल भी कंटाला नहीं आता है, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे मौसम में ट्रैक करने का। और डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, तो आप नए ट्रैकर हो लेकिन आपको ट्रैक करना है तो एक अच्छी लोकेशन है। हमें भी काफ़ी टाइम के बाद ये लोकेशन मिली तो हमने सोचा कि चलो आज प्लानिंग कर लेते इसको। ये देखो यहाँ पे कुछ अलग ही पौधे उगने शुरू हुए, भी बड़ा होने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली है क्या। तो ऐसा लग रहा है कि हम ऊपर पहुँच चुके हैं, उसे हमें पता नहीं है कि हम ऊपर आ गए नहीं। और यहाँ पे ट्रैकिंग ग्रुप है, देख सकते हो काफ़ी बड़ा ग्रुप है, ट्रैकिंग ग्रुप है। ऐसे एक मस्त व्यू है सामने आपके, मस्त लेक है तलेगांव लेक। और आगे जाना है हमें, हमें ऐसा लगा कि हम पहुंच गए हैं लेकिन नहीं, और भी आगे जाना है हमें। वाओ, यहाँ पे मोर की आवाज़ सुनाई दी हमें अभी जस्ट, आई डोंट नो आपको वीडियो में आ रही है नहीं आ रही, तो यहाँ पे मोर भी है। तो भाई यहाँ पे पेड़ निकल चुका है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आ सकते हैं, इतने ऊपर हो चुके हैं, मतलब बहुत पहले गिरा हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी पिकॉक की साउंड सुनाई दी है, भगवान करे हमें भी दिख जाए। और कोई भीड़ नहीं, बिल्कुल शांति है। वैसे ये लोकेशन जो है आसपास में दो दो हाईवेज है, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, न्यू एक्सप्रेसवे, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स है, लेकिन बीच में ऐसी लोकेशन मिलना मुश्किल होता है, डिफ़िकल्टी है। ये लोकेशन है जो अच्छी है। अच्छा बेनिफिट है रूट्स का, मिट्टी नहीं बहती है तो एक स्टेप जैसे बन जाते हैं तो चलने में आसानी हो जाती है ट्रैकर्स को। काफ़ी जगह पे यहाँ पे रूट्स वाले स्टेप्स बनी है, देखो तो फ्रेंड्स एक घंटे का शायद एक घंटे का ट्रैक करके हम ऐसा लगता है फाइनली पहुंच गए, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है एक बोर्ड डोर है एक्चुअली, तो हमें लग रहा है कि हम पहुंच गए। वहाँ पे वो डोर देख के लगा हम पहुंच गए, बट एक्चुअली नहीं, और 2-3 मिनट का ट्रैक है तो वो करके फिर बाद में हम पहुँचेंगे। वहाँ पे है माता का मंदिर और आप देखो कितना पसीना, बहुत पसीना पसीना हो चुका है, और थोड़ा सा ट्रैक करते हैं और चलते हैं। तो सामने दिखाई दे रहा है मंदिर, तो वहाँ जाना है हमें अभी। कॉर्नर से काफ़ी ब्यूटीफुल मंदिर ही बनाया गया है, मस्त सच में अच्छा लग रहा है ऐसी जगह पे माता का मंदिर। और बिल्कुल उसके साइड में वैली है, या बिल्कुल सामने वैली है,
मंदिर पे। चलो वहाँ से देखते हैं कैसे नज़ारे कैसे। बस छोटी सी रोड बनाई गई है मंदिर की तरफ जाने के लिए। अच्छा व्यू है, सीमेंट की रोड है, मस्त एक्सप्रेस वे। वाओ कितना शानदार दिख रहा है, ब्यूटीफुल व्यू है एक्सप्रेस वे का। वाओ चलो चलो गया दर्शन क्या। जय माता दी, जय माता दी, जय। पहाड़ के बिल्कुल कॉर्नर में या नीचे साइड में मंदिर बनाया है, मस्त। जिस किसी ने बनाया है काफ़ी अच्छा काम किया। मस्त दर्शन करके अभी हम थोड़ा सा जाने वाले हैं रिटर्न। बस मस्त 10-15 मिनट स्पेंड कर ले यहाँ पे, अभी जाएंगे बैक। तो यहाँ पे भी है देवी का मंदिर, ये नेचुरल मंदिर है। जय माता दी। तो हमारा तो दर्शन हो गया, सबको कैसा लगा? बहुत अच्छा। ट्रैक करने के लिए कैसा लगा? चलो अभी रिटर्न भी जाना है, देखना ऊपर। हाँ चलो पहले वो करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो बारिश की वजह से जो रोड है काफ़ी गीली हो चुकी है। तो फाइनली लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का ट्रैक करके हम नीचे आ चुके हैं। देखो सब लोग थोड़े से थके थके हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से थके थके हैं। अच्छा ट्रैक था, इजी, बट काफ़ी लंबा था, लंबा आना भी था। जब गए तो बारिश थी नहीं, आते टाइम थोड़ी बारिश शुरू हो गई, बट पहुंच गए आराम से, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। विवेन भी आज थोड़ा सा सीख गया कैसे असली कोई जगह पे चलना होता है, तो वो बराबर आ रहा था। तो नई लोकेशन थी हमारे लिए, हमने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, जाके देखते हैं। तो अच्छी लोकेशन निकली, पहाड़ के बिल्कुल नज़दीक एक मस्त माता का मंदिर। तो अच्छा अच्छा है, क्लीन है,
अच्छे ट्रैकर खासे ट्रैकर्स भी जा रहे आ रहे पर लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं है, डिसेंट भीड़ है। तो आई थिंक अच्छा ऑप्शन है छोटा सा इजी वाला ट्रैक करने के लिए, फैमिली के साथ जाके आने के लिए, फ्रेंड्स के साथ जाके आने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये लोकेशन, ये ट्रैक, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपके पास ऐसे कोई हिडन जगह हो, आपको पता हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करो, हम ज़रूर उसको प्लान करने की कोशिश करेंगे। हाँ, पुणे के आसपास होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आजकल हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, पुणे के आसपास ही प्लान करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े और हर हफ्ते नई लोकेशन नई व्लॉग का आनंद ले। और अगर आपको लगता है कि आप प्लान कर सकते हो, तो हमारा वीडियो देखने के बाद भी आप उस लोकेशन को प्लान कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ, नई लोकेशन के साथ में, एक नई जगह के साथ में। तो चलो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।